और जो फरमाइशें वो पेश करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ नए खताब नए कलाम आपकी समातों के हवाले समात फरमाऊं। क्यों हो गुलामे रसूल लिखने दो, हाय हाय हाय, हो गुलामे रसूल लिखने दो, हो गुलामे रसूल लिखने दो, मेहनते हो वसूल लिखने दो, शायरों को गजल मुबारक हो, शायरों को गजल मुबारक हो, शायरों 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 को गजल मुबारक हो, मुझको नाते रसूल लिखे दो, मुझको नाते रसूल लिखने दो। आय हाय, क्या अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हैं भाई। अब कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि माला को बंद करके माल लेके सिर्फ आए, माला बहुत छोटा है, कब शायर का इंतकाल हो जाए कोई भरोसा नहीं, लिहाजा हम ये कीमती चीज खोना भी नहीं चाहते। ये माला को एकदम साइड कर दीजिए, रख दीजिए। एक तो इतना छोटा छोटा है कि गर्दन में फंसने का अंदेशा है, पता चला शहीद हो जाएंगे। समाप्त हुआ कि हो गुलामे रसूल लिखने दो, शायर शायरों को गजल कि शायरों को गजल मुबारक हो, मुझको नाते रसूल लिखने दो। चाहता है बड़ी तादाद में हमारी माए और बहनें भी इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही है। चार मिसरे मैं बहनों के हवाले से पेश कर रहा हूँ, हिजाब के हवाले से, नकाब के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि भी पैगाम पहुंचना चाहिए। बातिल ताकतों ने बहुत हमारी बहनों को वरगलाया कि इस्लाम ने तुम्हें चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया, इस्लाम ने तुम्हारे तुम्हें पर्दे के अंदर कैद कर दिया, लेकिन हमारी बहनों ने उसका जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, मुस्कान की शक्ल में जवाब दिया उन्होंने। मैं चार मिसरे उस हवाले से कि मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले जरूर तुझ पे खुदा का अजाब उतरेगा, मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले जरूर तुझ पे खुदा का अजाब उतरेगा, हमारी बहन हर के जुल्म हंस के सह लेगी। चौथे मिसरे पर एक एक शख्स की मैं शिरकत चाहूंगा समाप्त कर मैं कि हमारी बहन हर के जुल्म हंस के सह लेगी, मगर ना इनके सरों से हिजाब उतरेगा, मगर ना इनके सरों से हिजाब उतरेगा, हमारी बहन हर एक जुल्म हंस के सह लेंगी। माशाल्लाह, डॉलरों दिरहमों दीनार उलट पड़ते हैं, क्या बात है भाई। बाबा जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ना इनके सरों से हिजाब उतरेगा, भी एक फरमाइश आई फोन पर, फरमाइश आई। अब मैं जानता हूँ जब उसका नाम लूंगा तो मुजाहिद साहब भी मचल पड़ेंगे, क्योंकि इनका भी पसंदीदा वो कथा है। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कि ये शजर के साए, सुने दोस्तों थोड़ा आवाज गुंजाइश हो तो बढ़ा, ये शजर के साए आवाज बढ़ाने गुंजाइश हो तो इनसे छाओ मत कि ये शजर के साए हैं, इनसे छा मत मांगो, डालियां तो होती हैं पत्तियां नहीं होती, बेटियां गरीबों की बदनसीब होती हैं, उम्र भी जाती है, शादियां नहीं होती होती, उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती। बात आई थी थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है, हाँ जी जी, दो तीन शेर मुझे भी याद आ गए, मैं चाहता हूँ पेश कर दूं समाप्त फरमा लें।
अबू जहल की अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी थोड़ी। तो मुजाहिद साहब ने जब तसलसल गिनाया तो मुझे भी चंद शेर याद आ गए। मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों पेश कर दूं समाज वाले। जी अता करे भाई ताबे कि नबी के जैसा, नबी के जैसा। बहुत लोग दावा करते हैं कि हम ही सच्चे मुसलमान हैं, हम ही सच्चे आशिक, हम सब, मैं तमाम लोगों को इस मुखातिब हूं, हम तमाम लोग, हम दावा करते हैं हम सच्चे आशिक के रसूल हैं, नबी के सच्चे दीवाने हैं, लेकिन अगर जब हम अपना किरदार देखते हैं तो दूर दूर तक कोई निशानी नजर नहीं आती। सिर्फ दावा करने से बात नहीं बनेगी, कुछ अमल करके दिखाने से बात बनेगी। मैं चाहता हूँ कि चंद शेर पेश करूँ समाज पर। मैं नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, तू सच्चा आशिक़े खैरुल अनाम थोड़ी है नबी के जैसा। और यहां से शेर देखें समाज पर। मैं आता हूं कि मजाल किसे की है कुरान पे हर्फ रखेगा, मजाल किसे की है कुरान पे हर्फ रखेगा, मजाल किसकी है कुरान पे हर्फ रखेगा, खुदा का है ये बशर का कलाम थोड़ी है, खुदा का है ये बशर का कलाम थोड़ी है, खुदा का है ये। और ये शेर के बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वाली अबीदार, बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वाली अबीदार, बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वाली अबीदार, मगर साहबा के जैसा मकाम थोड़ी है, मगर साहब के जैसा मकाम थोड़ी है, खुदा है ये। अब एक शेर मैं मुआजना कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि गजल के शोरा भी इसे काट नहीं सकते। मैं शेर पेश करता हूँ समाज पर। मैं जी अता करे अता, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मुकम्मल इत्तेफाक तक पहुंच रहा हूँ समाज पर। मैं क्यों हो तुम गजल के तो हम नात पाक के शायर, हो तुम गजल के तो हम नात पाक के शायर, हो तुम गजल के तो हम नात पाक के शायर, हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए जरा एक